दुर्ग शहर के पटरी पार क्षेत्र में पानी की लगातार हो रही किल्लत को देखते हुए वार्ड पार्षद देवनारायण चंद्राकर ने जल विभाग अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, साथ ही जल्द निराकरण किए जाने की मांग पर आंदोलन करने की बातें कही। दुर्ग शहर के पटरी पार क्षेत्र में पानी की किल्लत और वार्डवासियों को हो रही परेशानियों से आक्रोशित भाजपा के वार्ड 17 के पार्षद देव नारायण चंद्राकर ने दुर्ग नगर निगम आयुक्त के नाम जल प्रभारी आर के पांडे को ज्ञापन सौंपकर जल्द निराकरण किए जाने अवगत कराया। हम बता दें कि मामले में वार्ड पार्षद ने बताया कि दुर्ग शहर पटरी पार क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में करीब 3 वर्ष से इन क्षेत्र की जनता नल के पानी को तरस रही है। इस क्षेत्र की टंकी में प्रतिदिन 3.5 मीटर पानी सुबह एवं 1 मीटर पानी शाम को भरा जाता है, जिसके कारण पाइपलाइन में प्रेशर नहीं बनने के कारण इस क्षेत्र के कई जगह पर न तो सुबह पानी मिलता है और न ही शाम को, जिसकी शिकायत पार्षदों के द्वारा कलेक्टर जनदर्शन एवं नगर निगम को कई बार करा दिया गया है। बावजूद इसके नगर निगम के महापौर एवं उसके महापौर परिषद के सदस्यों को जनता के बारे में सुधरने का समय तक नहीं है। वही वर्तमान में गर्मी को देखते हुए हम पार्षदगण ने ज्ञापन सौंपकर दुर्ग शहर की जनता को 25 तारीख तक सही ढंग से पानी नहीं मिलने पर आम जनता एवं पार्षदों के द्वारा 26 को दुर्ग नगर निगम में मटका फोड़कर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। इस अवसर पर नरेश तेजवानी, काशीराम कोसारे, देव नारायण चंद्राकर ने ज्ञापन सौंपकर न्यूज टीम को प्रतिक्रिया दी। विगत 15 दिन से गंदा पानी, लो प्रेशर, कोई पानी का टाइमिंग नहीं, कभी भी आना कभी भी जाना। मैं बहुत त्रस्त हो गया और मेरे वार्ड की जनता बहुत त्रस्त हो गई। मेरे वार्ड की जनता बहुत आक्रोशित है और वो प्रदर्शन के लिए तैयार है। मैं अपने पार्षद साथियों के साथ संयुक्त रूप से पांडे जी को ज्ञापन दे रहा हूँ, अगर मेरी मांग को और पानी की व्यवस्था को पूर्णतः ठीक नहीं किया गया तो मैं बहुत उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार बैठा हूँ। वार्ड में 5-5 दिन तक बोर खराब रहता है, कोई सुनवाई नहीं है। बोला जाता है आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, लेकिन इतनी अव्यवस्था मैंने आज तक नहीं देखी। मैं भी 2 बार एल्डरमैन रह चुका हूँ, इतनी अव्यवस्था मैंने आज तक नहीं देखी। दुर्ग शहर में 3 साल से जब से कांग्रेस की सरकार बैठे हैं, 3 साल में नगर निगम के अंतर्गत पहले जितना कनेक्शन था उनसे 3 गुना 4 गुना कनेक्शन दे दिया गया है। कनेक्शन देने के बाद पानी जितना पहले पानी था उतना ही पानी सप्लाई आज भी हो रहा है, बल्कि नगर निगम में पूर्व सरकार के द्वारा 77 MLD का प्लान बनाया गया है। 77 MLD में सिर्फ नगर निगम के द्वारा अभी 25 से 27 MLD पानी का उपयोग कर रहे हैं। पूरे दुर्ग शहर पानी के लिए त्रस नहस हो गया है। कोई भी टंकी 2 मीटर 2.5 मीटर से एक्स्ट्रा नहीं भरता, जबकि जब तक टंकी में 5 मीटर पानी नहीं भरेगा जब तक के कोई टंकी का पानी का प्रेशर नहीं बनेगा, घर घर तक नहीं पहुँच पाएगा। इस मांग को लेकर के आज हमने माननीय कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आए थे, नहीं मिला, मुलाकात हुआ तो हम जलगिरी का कर्मचारी पांडे जी को हमने ज्ञापन दिए हैं। हमने अधिकारी को ज्ञापन देने के बाद में हमारा उसमें लेटर में ये है, वार्ड नंबर 23, 24, 15, 16, 17, 18, 19 और 22 इस क्षेत्र में हद से ज़्यादा पानी की तकलीफ तो पूरी शहर में है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र का हमको जानकारी है। अगर ये 25 तारीख तक के पानी का हल नहीं निकलता तो हम पूरा आम जनता के साथ, हमारे पार्षद साथी के साथ आ करके नगर निगम में मटका फोड़ेंगे और फुल उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूर्ण जवाबदारी नगर निगम की होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।